नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्र नगर सिविल हॉस्पिटल में। जी हाँ, आपको बता दें कि आज जो है यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर जी जिन्हें लोगों का जायजा लिया है उनकी हेल्थ का, कैसी उनकी अब हेल्थ है। जो जीवन ठाकुर जी एक मुहिम भी छेड़ी है कि वो पीलिया मरीजों के लिए जो है नारियल पानी पिला रहे हैं, उनकी हर देख रेख जो उनकी जरूरत है, चाहे वो दवाइयाँ हो, उनके खर्चा हो या उनका रहने की यहाँ पे व्यवस्था हो, हर चीज की जो देख रेख इनकी यहाँ पे हो रही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं जोगिंद्र नगर के सभी जो वासी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो पीलिए का जो प्रकोप जोगिंद्र नगर में है उसमें सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें 2 बार यहाँ पर विजिट कर चुकी हैं। MD डॉक्टर यहाँ पे परमानेंट जो है वो देख रेख कर रहा है और हमारे नर्सिस डॉक्टर्स बहुत पेन ले रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ पे पीछे कुछ मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ आप और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि ये ठीक है कि आज हमारी युवा पीढ़ी इसकी चपेट में ज़्यादा आई है और जो जल शक्ति विभाग है वो भी पूरी तरह से जोगिंद्र नगर के सभी जो वाटर सोर्सेज हैं उनको जो क्लीन कर दिया गया है। और कहाँ पे ये दिक्कत है, कहीं सीवरेज लाइन या कहीं पाइपलाइन जो सड़क के नीचे दबी हैं कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम हो, उस पर भी पूरी तरह से निगरानी जल शक्ति विभाग कर रहे हैं। और जो एक जो कैजुअलिटी जोगिंद्र नगर में हुई एक नौजवान युवा, और उसका मैं पढ़ रहा था अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा था तो कहा कि जोगिंद्र नगर अस्पताल से जो है उसको रेफ़र किया गया था, तो वास्तव में वो जोगिंद्र नगर हॉस्पिटल में से रेफ़र नहीं हुआ था और वो प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाइयाँ ले रहा था और कुछ झाड़ फूँक कर रहे थे। तो मेरा विशेष निवेदन जोगिंद्र नगर के लोगों से है कि कोई किसी भी बच्चे को ऐसी दिक्कत है तो वो हॉस्पिटल लाएँ, उसको एडमिट करें। यहाँ पूरी व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था हमने की है, जो भी ज़रूरत, क्योंकि पीलिया पेशेंट का जो बच्चा है वो खाना नहीं खा पाता तो हमने नारियल मौसमी ये सब प्रबंध यहाँ पर किया है। तो मैं समझता हूँ कि पैनिक ये ज़रूर है कि बीमारी तो ये बीमारी ही होती है, लेकिन जहाँ तक डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1,000 में कहीं एक कैजुअलिटी होती है और यहाँ दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। और आज मैं पूरे हॉस्पिटल में विजिट किया, सभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी गरीब व्यक्ति कोई भी है उसको अगर दवाई लेने में कोई दिक्कत है, दवाई नहीं खरीद पाता है, तो मैंने अपना टेलीफोन नंबर 70183 29916 दे के रखा है। और अभी भी जो कुछ पेशेंट थे जो अपनी दवाइयों को खरीदने के लिए असमर्थता जता रहे थे तो हमने उनकी भी मदद की। तो आप बेहिचक, क्योंकि सभी जोगिंद्र नगर के युवा बच्चे जो हैं ये हमारे जोगिंद्र नगर का भविष्य है, इस प्रदेश का, इस देश का भविष्य है, इनकी देख रेख करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। और कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की इनको हो तो मुझे बताएं। और दवाइयों के बारे में कोई भी, क्योंकि ये बल्क में कई बार दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं हॉस्पिटल में तो बाहर से लेनी पड़ रही है, तो कोई भी जो बेरोजगार और गरीब व्यक्ति है वो मुझसे संपर्क करें। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज से ही यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ मेरा कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, मैं खुद भी बैठूँगा, तो कोई भी किसी भी तरह की दवाइयों की ज़रूरत उनको है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, तो वो हमारे से मदद लें, क्योंकि हम एक अपना ये सौभाग्य समझेंगे कि हम किसी की मदद कर पाएँ। क्योंकि कई बार माँ बाप जो है छुपाते हैं, बताते नहीं, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई समस्या है एकदम आप हॉस्पिटल आएँ, आपके लिए दवाइयों से लेकर के हर व्यवस्था हम करके देंगे। मेरी NGO एक पहल माउंटेन सेवा समिति है, हमारे नगर परिषद के पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे हैं, APMC के मेंबर हैं, ये भी उनके जो है वाइस चेयरमैन हैं NGO के, और हमारे सभी युवा साथी हमारे साथ हैं। तो हम अपनी NGO के माध्यम से, एक पहल माउंटेन सेवा समिति के माध्यम से, हर पीलिया के पेशेंट को, युवा पेशेंट को, और इसके अलावा और भी कोई गरीब परिवार है, गरीब बच्चा है, उसकी हम दवाइयों, बतौर दवाई और बतौर जो भी उनको सुविधा चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं। सर, बाबा शुक्रिया। और जिस तरह से ये थे जीवन ठाकुर जी और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, यदि कोई व्यक्ति गरीब है और दवाइयाँ लेने में असमर्थ है तो इनकी ओर से जो है दवाइयाँ दी जाएंगी, और जिस तरह से इन्होंने अपना नंबर भी जो है मेंशन करा। देखिए, एक तो हिदायत, दूसरा मेरी जो स्वास्थ्य विभाग में हमारे CPS अवस्थी जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हुई है और सरकार से भी बात हुई है, DC महोदय से भी बात हुई है, इसी वजह से सरकार ने
जो है यहाँ पे एक एमडी को यहाँ पे डिप्यूट कर दिया है, और स्पेशल टीम टाइम टू टाइम जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो प्लानिंग ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, वो सारा देख रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके ध्यान में भी ये बात आई है, और उन्होंने भी ये विभाग को, सरकार को, डीसी महोदय को, सबको ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही ना बरती जाए आम और गरीब व्यक्ति के लिए। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हम सब लोग जो है चट्टान की तरह खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। किसी भी जोगिंद्रनगर के व्यक्ति को किसी भी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। वो ज़रा ध्यान से अपना उबला हुआ पानी, लगभग 10-15 मिनट उबला हुआ पानी जो होता है उसी को पिए, ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। तो जिस तरह से हिदायत भी है, और जिस तरह से अगर आपको थोड़ा सा घर में अपने सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है, और फल सब्जियों को भी आप उबाल कर जो है खा सकते हैं, जिसके साथ साथ यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या लगती है तो इधर झाड़ फूँक करने की बजाय जो है आप सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्रनगर या अपने नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है जा सकते हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।